एवरीवन, वेलकम टू रश्मि सानो कुक हाउस। तो आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी, वो है चीजी एग बुर्जी। चीजी एग बुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए एग, मैंने यहाँ पे 5 एग्स लिया है, 1 कप चॉप्ड ऑनियन, 1 लार्ज टमेटो चॉप्ड, चॉप्ड गार्लिक अराउंड 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिली, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 क्यूब्स चीज, 1 लेमन, चॉप्ड कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए, और ड्राई पाउडर्स में चाहिए रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और जीरा और गरम मसाला। तो चलिए अब हम देखेंगे इसको कैसे बनाएं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, अब हम इसमें डालेंगे बटर। आप बटर के बदले में तेल भी डाल सकते हैं, बटर से थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर आता है, तो मैंने बटर ऐड कर दिया है अराउंड 1 टेबल स्पून। ये मेल्ट होते ही अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा अराउंड 1 टीस्पून, और ये फ्राई होते ही स्प्लैटर होते ही हम इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक। डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए, लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। गार्लिक अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन चॉप। मैंने यहाँ ओवरसाइज 2 चॉप्ड ऑनियन लिया है। और इसके साथ ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट अराउंड 1 टेबलस्पून। दोनों साथ में फ्राई करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट का रॉ स्मेल जाने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, और ऑनियन हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अभी ये हल्का सा ऑनियन ब्राउन हो चुका है, मैं अब इसमें ऐड करूंगी ग्रीन चिलीज। मैंने ग्रीन चिली अराउंड छोटे 3 लिया है, उसको चॉप कर लिया है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से आप ग्रीन चिलीज और रेड चिली पाउडर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड किया है मैंने चॉप टमेटो, मैंने 1 लार्ज टमेटो लिया है, इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। अब टमेटो हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर अराउंड 1 टीस्पून। हमने ऑलरेडी ग्रीन चिलीज डाला हुआ है, तो उसके टेस्ट के हिसाब से मैंने अराउंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। हम इसको अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर अराउंड 1 टीस्पून। अब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि इसमें से जो ऑयल कंटेंट है वो सेपरेट हो जाए। जब तक हमारा मसाला रेडी होता है, तो हम एग्स को बीट कर लेंगे। बीट करते वक्त हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और नमक, और इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है मसालों से, मैं इसमें ऐड करूँगी अराउंड 1/4 कप वाटर। पानी मिक्स करके इसको अच्छी तरह से हम एक बार
स्टर कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो बराबर से मिक्स हो जाए। जो थोड़ा पानी कम लग रहा है, मैं थोड़ा और ज़्यादा पानी ऐड करूँगी ताकि जब हम एग डालें ये बहुत ड्राई ना रहे। इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बीट किया हुआ एग। हम अभी लो फ्लेम में रखा है मैंने गैस को, तो लो फ्लेम में ही हम इसको कुक करेंगे। एक बार मिक्स होते ही हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम धीरे से इसको मिक्स करते ही जाएंगे ताकि मसाले जो है अंडों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसी टाइम पे हम डालेंगे लो फ्लेम में ही थोड़ा सा नींबू। नींबू का रस अराउंड 1 लेमन का नींबू का रस लिया है मैंने यहाँ पे। ऑलरेडी हमने जो टमेटोज लिया है तो उसकी वजह से हमको ज़्यादा नींबू का रस नहीं चाहिए, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे। अब मैं गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के पकाऊंगी। अगर हम एक जब बनाते हैं एक भुर्जी हम हाई फ्लेम पर रख के इसको फ्राई करेंगे तो एक जो है वो अच्छी तरह से नहीं पकेगा और इसका एक का जो रॉ स्मेल है वो ओवर पावर करेगा, तो हमें लो फ्लेम पे ही रख के इसको पकाना है। फिर उसके बाद एक बार मिक्स हो जाए तो इस स्टेज पर हमको मीडियम फ्लेम पे रख के एग भुर्जी को ऐसे ही सॉटे करना है। अब मैं इसमें डालूंगी चॉप कोरिएंडर और इसमें ग्रेट करेंगे हम चीज। मैंने 1 चीज को इसमें ग्रेट कर लिया है और एक चीज क्यूब जो है मैं इसमें गार्निश करते वक्त ऊपर से सर्व करते वक्त डाल दूंगी। देखिए अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो एग भुर्जी है वो बहुत चीजी और मॉइस्ट रहे। इसको बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। तो एग भुर्जी हम पाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं या ब्रेड के साथ, और राइस के साथ भी हम सर्व कर सकते हैं। ये देखिए चीजी और मॉइस्ट एग भुर्जी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सर्विंग बाउल में एक भुर्जी को निकाल लिया है। तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर मेरी नई रेसिपी आपको जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और मेरी रेसिपी को ट्राई करके आप मुझे अपने रेसिपी के पिक्चर्स इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और मेरे चैनल को आप अपने इंस्टाग्राम में टैग कर दीजिए। थैंक यू सो मच।